सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है फिफ्थ कट ऑफ के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ जो है नहीं कीजिएगा, और फिफ्थ कट ऑफ के अंदर आपको किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपने फ़ोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत आसान प्रोसेस है, आपको साइबर कैफ़े वगैरह की भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कॉलेज के अंदर, जिस कोर्स के अंदर आपका कट ऑफ बेस्ट स्पोर्ट्स की परसेंट मैच हो रही है, बस आप उसको एक कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 10 बजे के बाद से अपने आप जो है वो पोर्टल जो है वो खुल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अप्लाई कीजिएगा। बेस्ट विशेस सभी स्टूडेंट्स को। सो जो स्टूडेंट्स फिफ्थ कट ऑफ के अंदर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिन स्टूडेंट्स का पहले एडमिशन कंफर्म हो चुका है एंड उन स्टूडेंट्स ने फीस जो है वो फुल्ली पेमेंट भी कर दी है, बट वो चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम जो है दूसरे कट ऑफ के अंदर अप्लाई करें, यानी फिफ्थ कट ऑफ के अंदर अप्लाई करें, और अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो आप अप्लाई कीजिएगा, बट आपकी परसेंटेज, आपकी जो बेस्ट फोर की परसेंटेज है एंड उस कॉलेज की जो परसेंटेज है वो जो है मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होता है सो आप एडमिशन कैंसिल करके आप रीअप्लाई करेंगे, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, यानी कि जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ था ना आप उस कॉलेज के अंदर पढ़ पाएंगे एंड ना आप दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। अगर वो कॉलेज जो है रिजेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। सो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्या आपको ख्याल के रखना है कि आपके बेस्ट फोर की परसेंटेज एंड कॉलेज की परसेंटेज मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती है, हाँ, और इस चीज़ में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो विशेषकर ख्याल रखिएगा कि मान लीजिए आपके फोर्थ कट ऑफ के अंदर जो है जिस कॉलेज के अंदर, जिस कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे थे उसकी कट ऑफ जो है मान लीजिए कि 90 है, ठीक है, बट जो फिफ्थ कट ऑफ आई है उसके अंदर वो 89% हो गया है एंड आपकी जो परसेंटेज है वो जो है मान लीजिए कि 89 है, तो आपका कट ऑफ यहाँ पर मैच हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेरी है ये है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर पूछते हैं कि हमारे अगर 88% है एंड कट ऑफ जो है 89 है तो क्या हम एलिजिबल हैं इस कट ऑफ के अंदर, फिफ्थ कट ऑफ के अंदर। सो बिल्कुल भी आप एलिजिबल हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1% का रिलैक्सेशन जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। एंड जिस स्टूडेंट्स का फिफ्थ कट ऑफ के अंदर एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, न्यू एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड शो करेगा, वो स्टूडेंट्स ज़रूर इस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा एंड उससे रिलेटेड जो क्वेरीज होगी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आपको ये जो फिफ्थ कट ऑफ दिख रही है ये स्लाइड, यहाँ पर आना है, और उससे पहले आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, DU.EC.IN, ठीक है। अगर आपने कट ऑफ अभी तक नहीं देखा है तो कट ऑफ चेक कर लीजिएगा आप, अच्छे से इसको मैच करके जो है वो आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत कम समय दिया गया है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक हेयर फॉर एडमिशन 2021 पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने न्यू डैशबोर्ड जो है वो खुल के आ जाएगा। उस डैशबोर्ड का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका जो लिंक है वो है admission.uod.ac.in, ठीक है। यहाँ पर आना है आपको और नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको UG वाले पोर्टल पे जाना है, तो UG एडमिशन पोर्टल 2021 पे आपको यहाँ पर सिंपल सा जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन होना है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड जो आपकी ईमेल होगी वो डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालना है एंड लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप जिस भी कॉलेज के अंदर आपकी बेस्ट फोर की परसेंटेज मैच हो रही है उस कॉलेज के अंदर उस कोर्स को चूज़ कीजिए एंड उसको कोर्स को चूज़ करने के बाद कॉलेज को चूज़ कीजिए एंड पर्टिकुलर आपका उस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और एप्लीकेशन जो स्टेटस है आपका, सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन शो होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वीनर आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय
प्रिंसिपल आएगा एंड देन फीस पेमेंट आएगा। तो फीस पेमेंट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है। कोई भी क्वेरीज है आपको या आपका ईमेल वगैरह से रिलेटेड या आपका अगर रजिस्टर्ड जो ईमेल है वो नहीं शो हो रहा है, कुछ भी क्वेरीज है आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।